वेलकम टू मिस्टर बगर टेक। आज गैस हम लोग क्या करने वाले हैं भैया? भैया एडिटिंग करना सिखा दो। भैया आपको इतनी बार बोला एडिटिंग के वीडियो नहीं डाल रहे हो। भैया प्लीज एडिटिंग करना सिखा दो। भैया आपने वीडियो को कैसे एडिट किया था? ऐसे ऐसे कमेंट्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं। आज गैस हम लोग करने वाले अपनी वीडियो को एडिट करना मोबाइल में है। इतना भी मतलब इजी नहीं है कि मतलब भाई एडिट करना सिखा दो। मुझे टीचर बनना पड़ेगा, आप लोग स्टूडेंट बनना पड़ेगा। समझ आई बात? मुझे टीचर, आप लोग स्टूडेंट, तब हम इस टॉपिक को समझ पाएंगे। उसके लिए शार्प ब्राइट स्टूडेंट बन के वीडियो को ध्यान से शुरू से एंड तक देख के हर चीज सीख के हर चीज अप्लाई करनी पड़ेगी। बहुत सारे लेवल होंगे इस चीज के अंदर में, यानी कि 10-12 लेवल्स होंगे। आज मैं पहला लेवल आपको सिखाने वाला हूं। वीडियो की जो क्लिप होती है अपने मोबाइल में, अपने जो हमारा ऐप है वीडियो शो ऐप, मैंने यहाँ पे चूज किया वीडियो शो ऐप से ही मैं अपना सारा आज तक का मैंने अपना काम किया है। मेरी दीदी स्वाति बांबरा ने भी अपने मेरे दूसरे वाले मिस्टर पक्का कुकिंग वाले चैनल पे भी ये सारा कुछ मैं उसी ऐप से करता हूँ। आज भैया हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अपनी वीडियो को स्पीड बढ़ाने आपको सिखाएंगे। वीडियो की स्पीड जो होती है कम करना, ज्यादा करना, ज्यादा से भी ज्यादा करना, कम से भी कम करना, स्लो, सुपर स्लो, हाई, सुपर हाई, पहली चीज सीखेंगे हम। अपने वीडियो को ट्रिम करना आज हम सीखेंगे। ट्रिम यानी कि हम अपने वीडियो को, अभी जैसे हम अपने शूट कर रहे हैं, हमारा हाथ आ गया बीच में, इस चीज को मेरे को ट्रिम करना है, वो चीज सीखेंगे हम। अपने वीडियो के ऊपर में भैया स्प्लिटिंग हम सीखेंगे। जैसे कि सपोज अभी मैं एक चीज ऐसे यहाँ पे ऐसे मैं कर रहा हूं, मेरा मन है कि जैसे ही मेरा मुक्का यहाँ पे टच हुआ, टच होने के जस्ट बाद स्प्लिट हो जाए, स्प्लिटिंग आज हम लोग सीखेंगे। और भी ऐसी ऐसी भैया बढ़िया बढ़िया एक दो चीजें सीखेंगे। एक और चीज सीखने वाले हैं, कॉपी करना अपनी क्लिप को। एक क्लिप को एडिट किया है, उस क्लिप को मैंने छोटा कर दिया, उस क्लिप को मैंने स्पीड बढ़ा दी, सब कुछ मैंने कर दिया, वो एक ही है, लेकिन मेरा अगर दोबारा से वो क्लिप डालने का मन है किसी और जगह के ऊपर में, तो मैं वो सारा काम क्या दोबारा करूंगा? नहीं, I'll copy that same thing. हम उसी वाली चीज को दोबारा से कॉपी कर देंगे, बात खत्म। एक बटन दबाएंगे, कॉपी हो गया। आज हम ये भैया चार चीजें सीखने वाले हैं, सॉरी पांचवी चीज भी सीखने वाले हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट योर वीडियो इन योर गैलरी। हम अपनी गैलरी में अपने वीडियो को कैसे एक्सपोर्ट करें, यानी कि अपनी गैलरी में हम कैसे सेव करें। छठी चीज जो सीखने वाले हैं, वो भी सीखने वाले HD मोड में करें या नॉर्मल मोड में हम अपने वीडियो को सेव करें, ठीक है। आज हम लोग 6-7 चीजें सीखने वाले हैं, वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। आज हम लोग वीडियो एडिटिंग के लेवल 1 पे हैं। लेवल 1 हो या 2 हो या 10 हो, सबसे पहले मैं जो अपनी ऐप को अपने सिलेक्ट की है मैंने, वो है वीडियो शो ऐप। हम सबसे पहले खोलेंगे अपनी इस वाली ऐप को। ये देखिए वीडियो शो को अब मैं खोलता हूँ, सामने में कुछ आपको ऐसा दिखता है, यहाँ पे कुछ भी अभी टच नहीं करना है। अब भैया यहाँ पे ना ऊपर में आप देख रहे होंगे किंग का क्राउन टाइप की एक चीज आ रही है, ऊपर में पहला ऑप्शन है, इसे दबाते हैं। यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, नो वाटरमार्क, नो एड्स, 100% एक्सपोर्ट, GIF, वीडियो एडजस्ट और भी काफी कुछ। ये क्यों है? ये भैया VIP प्रिविलेज है, मेरा VIP अकाउंट है इसके अंदर में, इसलिए आप लोग को भी ये वाली चीजें, कुछ कुछ चीजें आपको नहीं मिलेंगी। ओके, नो प्रॉब्लम, आपकी वीडियो इसमें अच्छे से एडिट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए काफी सारे फंक्शंस हैं, इन सभी फंक्शंस के बारे में हम बाद में बातें करेंगे, अभी काफी सारे लेवल्स बाकी हैं। अब हम सबसे पहले खोलेंगे एडिट वीडियो। एडिट वीडियो के ऊपर में एक क्लिक करें, आपकी यहाँ पे मोबाइल की गैलरी खुल जाएगी। उसके बाद में वीडियोज में जाएं, कोई भी एक क्लिप को, कोई भी एक क्लिप, एनी क्लिप, कोई भी एक क्लिप को अभी हम एडिट करेंगे। दबा देते हैं कोई भी एक क्लिप को, दैट्स इट। नेक्स्ट करते हैं, ये देखिए इस वाली क्लिप में कमी है। कमी भैया क्या है, ये टेढ़ी बनाई हुई है, इसे अब मेरे को रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए हमें भैया कहाँ पर जाना पड़ेगा, दिखाते हैं थोड़ी सी डिटेल में। ये देखिए यहाँ पर है थीम, साउंड, एडिट, सेटिंग।
सबसे पहले मैं जाता हूं एडिट में, एडिट में जाने के बाद में मैं जा रहा हूं क्लिप एडिट में। क्लिप एडिट में भैया बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ट्रिमिंग है, स्प्लिटिंग है, जूम है, एडजस्ट में कलर वगैरह होते हैं, कॉपी है, रोटेट है, स्पीड है, रिवर्स है। ओके चलिए अब हम करते हैं रोटेशन। रोटेट कर देता हूँ अपने, जितनी बार दबाएंगे उतनी बार ये रोटेट होती जाएगी। और क्या, राइट 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 राइट, ये देखिए अब ये रोटेट हो चुके हैं। ऊपर में जो टिक लगा हुआ है बस उसके ऊपर अब हमने एक टिक लगा देना है। और क्या, ये देखिए रोटेट हो चुकी है अच्छे से। चलिए अब इसे ओके कर देते हैं। ऊपर में राइट साइड के टिक लगा हुआ है ना, लगा दिया भैया। अब आपका मन है, अब आप अपनी इस वीडियो को एक्सपोर्ट करके कर सकते हैं। लेकिन मैं दोबारा से क्लिप एडिट में भैया गया हूँ। क्यों गया हूँ, अब मैं इस वीडियो की स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ाना चाहता हूँ। तो ये देखिए स्पीड के ऊपर में बस हमने भैया दबा देना है, टच करें। ये देखिए हम अपनी स्पीड यहाँ पे डबल भी कर सकते हैं, डबल से भी डबल कर सकते हैं, यानी कि 4x कर सकते हैं। हम अपनी स्पीड को हाफ भी कर सकते हैं, हाफ से भी हाफ कर सकते हैं, यानी कि स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, सुपर फास्ट भी कर सकते हैं, सुपर स्लो भी कर सकते हैं। दो बार अगर हम सुपर स्लो करेंगे तो और ज्यादा स्लो हो जाएगा। ओके अब मैंने भैया डबल किया अपनी स्पीड को। वेट अब करते हैं ट्रांसकोडिंग का। यहाँ पे भैया ये ट्रांसकोडिंग करता है जितनी बार हम अपनी स्पीड बढ़ाते हैं या कम करते हैं। ये देखिए भैया अब ये ट्रांसकोडिंग हो चुकी है, 18 सेकंड की वीडियो बन चुकी है अब ये। ये देखिए कितने फास्ट फास्ट अब मैं अनियन को पकड़ रहा हूँ, शिमला मिर्च को पकड़ रहा हूं। पहले ऐसे नहीं कर रहा था ना, अब हो रहा है ना फास्ट फास्ट। अब हम यहाँ पे भैया ऊपर में टिक कैसे लगा देते हैं, अब कुछ और चीजें भी सीखते हैं। दोबारा चलते हैं क्लिप एडिट के ही अंदर में, वहीं से हमने अभी अपनी शुरुआत करनी है। क्लिप एडिट में दोबारा जाता हूं। ये देखिए यहां पे बहुत ही ज्यादा ऑप्शंस हैं, आपको पंगे वगैरह थोड़े बहुत ले सकते हो। फिर देखिए ट्रिमिंग अब मैं अपनी वीडियो को कर रहा हूं, टेंशन मत लीजिएगा, आपको नहीं दिखा है दोबारा से कर दूंगा। ट्रिमिंग का मतलब होता है अपनी वीडियो को छोटा करना, या तो लेफ्ट साइड से या तो राइट साइड से। इसका मतलब क्यों, कई बार हम अपने कैमरे को भैया ऐसे टच हम जब करते हैं तो कई बार हमें ट्रिम करने की जरूरत पड़ जाती है, वो वाली चीज नोट हो जाती है, कैमरे में आ जाती है, अपना हाथ ऐसे आपका आ जाता है। ये देखिए अब मैंने अपनी वीडियो को 9 सेकंड का कर दिया है ट्रिम करके, नो प्रॉब्लम। मैं इसे और भी अदर ट्रिम अभी कर सकता हूँ, बढ़ा भी सकता हूँ। अब मैं अपनी वीडियो को भैया कॉपी कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे कॉपी वाला ऑप्शन है, इसे आप जितनी बार दबाओगे किसी भी एक वीडियो को सिलेक्ट करके उतनी वही वाली वीडियो की क्लिप कॉपी होती जाएगी, एक एक उसकी कॉपी बनती जाएगी। अब मैं यहाँ पे डिलीट भी कर सकता हूँ, आपने देखा कैसे किया है। एक बार फिर से अब हम इसके भैया कॉपी बनाते हैं, और पहले वाली जो मेरे क्लिप थी उसे जिससे मैंने भैया ट्रिम किया था उसे अब मैं ओरिजिनल साइज में ले जाता हूँ। ओरिजिनल साइज नीचे में 18 दिखा रहा है, ऊपर में 17 दिखा रहा है, नो प्रॉब्लम। इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 17.7 सेकंड की है। अब मैं अपनी वीडियो को स्प्लिट कर रहा हूँ। यहाँ पे भैया ऑप्शन है स्प्लिटिंग का, ये देखिए मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं अपनी शिमला मिर्च को पकड़ूं ये वीडियो में, मैं यहाँ पे प्याज को और शिमला मिर्च को पकड़ रहा हूँ, जैसे मैं अपने शिमला मिर्च की तरफ इशारा करूँ वहीं पे बस वीडियो स्प्लिट हो जाए। ये देखिए शिमला मिर्च के ऊपर किया, ओके कर देते हैं नीचे में, स्प्लिट हो गए। देखिए वही सब पहले, आपको पहले वाला अब दिखाते हैं। स्प्लिट का मतलब एक वीडियो को दो हिस्सों में बांटना। ये देखिए अनियन अब मैंने पकड़ा है, जैसे ही मैं शिमला मिर्च के पास गया मेरी वीडियो कट हो गई। अब देखिए यहां से शिमला मिर्च अब मेरी वीडियो स्टार्ट हो रही है, बहुत ही ज्यादा ईजी है। स्प्लिटिंग भी आपने सीख ली। अब हम ऊपर वाला भैया टिक कैसे दबा देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी वीडियो को भैया एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट के ऊपर में हम दबाते हैं, सेव टू गैलरी करते हैं। यहाँ पे तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, फास्ट मोड, एचडी मोड, जीआईएफ मोड। जीआईएफ अभी आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा एचडी और फास्ट मोड। आपने भैया एचडी वाला कर दो, यूट्यूब पे वीडियो अच्छी लगेगी। HD पे मैं कर देता हूँ। अब ये वाली जो वीडियो है ये अब एक्सपोर्ट हो रही है, अब ये मतलब मेरी गैलरी में जा रही है। एक्सपोर्ट का मतलब गैलरी में जाना। अब ये वाली वीडियो मेरी गैलरी में जा रही है, देखिए ऐसे ही ये गोला टाइप का भरता है।
अगर आपकी बड़ी क्लिप है तो वो धीरे धीरे भरेगा। ये देखिए अब हमारी वीडियो हो चुकी है, 25 MB की है। चलिए अब हम इसे ना प्ले करके देखते हैं अपनी गैलरी में। जस्ट वंस अभी कर रहा हूँ, ये देखिए अभी ये गैलरी में प्ले हो रही है। बिल्कुल भी आपको यहाँ पे पता नहीं लगेगा एक क्लिप से दूसरी क्लिप में हम लोग कब चले भी गए, ठीक है। इतना ज्यादा आसानी से मतलब ये वाली चीज होती है। That's it guys, यही थी आज की वीडियो। So guys, ये वाली वीडियो आपको कैसी लगी जरूर एक बार मुझे बताना। वीडियो को मैं और ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ। अगर आपको ऐसा ही टॉपिक या इसी YouTube एडिटिंग वीडियो या YouTube वीडियो एडिटिंग वाला टॉपिक अगर आपको और लंबा करके हर चीज समझनी है, कमेंट आप कर सकते हो, मैं स्टार्ट कर दूंगा टीचिंग करना। आप स्टार्ट कर दोगे स्टूडेंट बन के समझना, ठीक है। अगर आप रेडी हो स्टूडेंट्स बनने के लिए, मैं रेडी हूँ टीचर बनने के लिए, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो भैया टॉपिक्स बहुत सारे हैं मेरे पास में अपने मिस्टर बकर टेक चैनल के लिए, बहुत सारे हैं। ये मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ एडिटिंग। आज तक मैंने इसीलिए नहीं किया था, मुझे पता था बहुत ज्यादा माथा पच्ची वाला भैया टॉपिक है, ठीक है ना। साफ सी बात है, बहुत ज्यादा मतलब है किसी को चीज सिखाना है ना, मतलब समझ रहे हो, मतलब बहुत बड़ी बात, मतलब बहुत टेंशन है। और यही भैया आसान से एक वीडियो बनानी है, कुछ नहीं, एक प्रोडक्ट मंगाई अमेज़न से, भैया ये देखिए दिस इज अ प्रोडक्ट, इसका ये रिव्यू, इसमें ये है वो है वो, गुड जॉब, बाय बाय। बट पढ़ाना मतलब बहुत मेहनत चाहिए। आप लोगों ने बहुत बार बोला है, इसलिए आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है, सब कुछ दिया है। मैंने सोचा क्यों ना फिर आज देखते हैं ट्राई करके टीचर बन के। अब मैं भैया बन गया हूँ टीचर, आप लोग बन जाना स्टूडेंट अगर ये वाला टॉपिक समझना है। अगर नहीं इतना ज्यादा इंटरेस्ट है तो कमेंट मत करना नीचे में, अगर इंटरेस्ट है तो भैया कमेंट कर देना। कमेंट करोगे तो दोबारा ये वाला टॉपिक को और मैं बड़ा खींचूंगा, इसके 10-12 लेवल होंगे। एक लेवल आज आप सीखे हो, बस दैट्स इट। अब मैं चलता हूँ, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, बाय बाय, सब्सक्राइब कर दो मिस्टर बग्गा टेक चैनल को।